भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने एलनाबाद उपचुनाव में भाजपा जजपा गठबंधन प्रत्याशी के जीतने का दावा किया है। गांधी जयंती के मौके पर झज्जर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची सुनीता दुग्गल ने कहा कि एलनाबाद की जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है और अब यहां की जनता ने सरकार के साथ चलने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि एलनाबाद उपचुनाव में भाजपा जजपा गठबंधन के लिए कोई चुनौती नहीं है। उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा क्योंकि एलनाबाद की जनता पीएम मोदी और सीएम खट्टर की जन कल्याणकारी नीतियों से पूरी तरह से प्रभावित है। देखिए, कोई चैलेंज हमें नजर नहीं आता है क्योंकि धरातल पर अगर आप जाकर देखें तो लोग जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से और हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की नीतियों से संतुष्ट हैं। सभी काम जो है हमारी सरकार इस तरह से कर रही है कि हमारे किसान भाई, हमारे मजदूर भाई, हमारी महिलाएं सभी जो है वो सक्षम हों और वो आगे बढ़े, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई चैलेंज है। और एलनाबाद की जनता के बारे में मैं आपको कहूं तो अब वो त्रस्त हो गई है। वो चाहती है कि वो सरकार के साथ चले, वो चाहती है कि वो विकास के साथ चले। तो मुझे लगता है कि अब की बार इसलिए जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी और जजपा का जो गठबंधन का कैंडिडेट होगा उसको वहां से जीत मिलेगी, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में एलनाबाद से इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते अब इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। 30 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा और 2 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। हालांकि अभी तो सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन एलनाबाद की जनता जीत का ताज किसके सर पर पहनाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। झज्जर से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।